जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। वैसा मानवता चैनल में आज हम खास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दिल्ली से रोशनी देवी जी जुड़ी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो। बहुत बहुत स्वागत है रोशनी जी आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ एडवोकेट संतोष साहू साहब, मतदाता जागृति मंच के छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं और ओबीसी मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अधिवक्ता संतोष साहू साहब का बहुत स्वागत है। संतोष साहू साहब, वैसा मानवता चैनल में संतोष साहू साहब बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर। हम लोग पिछले बार जो एपिसोड में आरक्षण के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत विस्तार से बातें की थी, आज हम लोग जो भारत में एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर ये आम चर्चा है और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से इसकी कई प्रकार की बातें फैल रही है, तो इस पर आरक्षण वरदान है या अभिशाप है? ये बहुसंख्यक हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो सामान्य वर्ग के जो लोगों को परेशानी हो रही है आरक्षण के संदर्भ में लंबे समय से, जो बाबा साहब को हमेशा लोग बाग टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि ये संविधान बनाकर हमारे लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया है, तो इस पर गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, खुले बहस करने की जरूरत है। हालांकि किसी भी सोशल मीडिया ने कभी भी बहुजन चिंतकों को, सामाजिक लेखकों को बुला करके ना तो कभी डिबेट की है ना कभी चर्चा की है, बल्कि उनके जो भी आंदोलन है उसको हवा दे करके एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आज वॉयस ऑफ मानवता चैनल पर इस बात को लेकर एक गहन चिंतन और मनन करने की चर्चा पर लगातार हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर बहस की जाए ताकि हमारे बहुसंख्यक समाज के लोगों को इसका लाभ मिले और हमारे जनरल समाज के जो जनरल कैटेगरी के जो भाई हैं जिनको आरक्षण को लेकर लगातार गलतफहमी है उनको भी ये दूर की जा सके। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर आप एक विधिवेत्ता भी हैं और कानून के जानकारी भी रखते हैं, तो जिस ढंग से मनोहर कांसीराम साहब ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समाज को एक प्रतिनिधित्व के रूप में बात कही थी, आरक्षण तो उस समय 10 साल के लिए जरूर, मतलब बाबा साहब ने कहा था कि इन वर्ग के लोगों को कि 10 साल के अंदर में वो रिजर्वेशन प्रदान किया जाए ताकि ये मुख्य धारा में जुड़ सके, लेकिन ये एक राजनीतिक के रूप में तमाम पार्टियों ने इसको लंबा खींचते 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 लेकर के ना तो उसको फुलफिल किया गया, बैकलॉग ना भर्ती किया गया और तमाम जो शासकीय प्रशासकीय पदों पे जो हमारे लोगों को आ जाना चाहिए था उसमें आज भी कमी देखी जाती है। तो इस पर मैं पहला सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहूंगा, क्या भारत के अंदर में जो आरक्षण है ये जातिवाद को बढ़ाता है या हमारे जो लोगों का हक अधिकार है वो कितना लोगों को मिला, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और इस पे एक समीक्षात्मक आपसे टिप्पणी हम चाहते हैं एडवोकेट संतोष साहू साहब। अभिशाप है ये, वरदान है, लोगों के लिए क्या है? बहुसंख्यक समाज आज भी इस रिजर्वेशन का दंश झेल रहे हैं और हमारे लोग पीड़ित हैं। संतोष साहू साहब जी, वाय साहब मानवता टीवी चैनल पे आए सभी वक्ता विद्वान साथियों को जय मूल निवासी, और मैं वाय साहब मानवता के सीओ भाई मेघराज सिंह जी को और भाई जगदीश सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप भारत में एक तरफ आरक्षण को लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं कि आरक्षण गलत है, आरक्षण से मेरिट के लोग पिछड़ रहे हैं, आरक्षण के कारण देश का समाज पिछड़ रहा है, विकास रुक रहा है और अयोग लोगों का भारत के व्यवस्थाओं पे प्रवेश हो रहा है जिससे समाज में भ्रांतियां हैं, ऐसे तमाम बातें एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आपके द्वारा वाय साहब मानवता के द्वारा ये विषय लगाना कि भारत में आरक्षण वरदान है या अभिशाप है या भारत का संविधान जातिवाद को बढ़ाता है, एक बहुत गंभीर ये विषय है। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान, जैसा कि पूरे देश वासियों को पता है, दुनिया के लोगों को पता है
कि भारत का लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके पहले भारत में कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, कोई ऐसा लिखित कानून नहीं था कि पूरा भारत उस पे चले। ये जरूर है कि 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने भारत में कानून के सामने सब समान होंगे, समान अपराध का समान दंड होगा और विभिन्न बातों को लेकर इंडियन पेनल कोड लागू किया 6 अक्टूबर 1860 को। इसके बाद देश में लिखित संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि जब इंडियन पेनल कोड लागू हुआ था अंग्रेजों के द्वारा भारत में, उस समय भारत में जाति की व्यवस्था थी और भारत में जाति की व्यवस्था ईसा पूर्व 180 से लेकर ईसा पूर्व 150 के बीच में सुमति भार्गव नामक ब्राह्मण के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया। अब मनुस्मृति ही दंड विधान था और मनुस्मृति के आधार पे जातिगत व्यवस्था अस्तित्व में रही, जिसको भारत का संविधान वर्ग आधारित व्यवस्था में कन्वर्ट किया। भारत के संविधान को बनाने वाले भारत के महान सपूतों ने भारत के अंदर छोटे छोटे जाति उपजाति में बटे हुए लोग, जाति के आधार पे ऊंच और जाति के आधार पे नीच, जाति के आधार पे कार्य, चाहे उसमें उनका मान सम्मान रहे ना रहे, रोजी रोटी चले ना चले, फिर भी उनको जाति के दायरे में ही काम करना होता था, ये कानूनन था, आज की तरह नहीं था। तो भारत में ये कहना कि भारत का संविधान जातिवाद को फैला रहा है, ऐसी बातें भारत का जो भी आदमी कहते हैं, तो आप मैं मेरा निजी राय है कि उस व्यक्ति को भारत के सामाजिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था की समझ नहीं है और भारतीय संविधान का तो लेस मात्र उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें भारत के संविधान को, संविधान के जानकार वाकिब ऐसे प्रबुद्ध जनों से भारत के संविधान की व्यवस्था को समझने की बात है। तो ये कहना कि भारत के संविधान से जातिवाद बढ़ रहा है, ये सरासर गलत है, बेबुनियादी बात है। जातिवाद से भारत के संविधान का लेस मात्र कोई संबंध नहीं है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटे लगे। उस समय भारत के संविधान को बनाने में लगभग 70 लाख रुपए खर्च हुए। भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले जातिवाद था। उस जातिवाद के दंश को भारत के 90% लोगों ने देखा है, उसके दंश को झेला है कि जातिगत व्यवस्था क्या थी। जैसे मैं तेली जाति का हूं तो मेरा पुरखा सिर्फ तेल ही बना सकता था, कोई नाई है तो बाल ही काटेगा। आप महामना कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आपको पता है कि वो मुख्यमंत्री बिहार रहे, उनके बारे में इन जातिवादियों ने क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया जिसको मैं यहाँ व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ। जाति की व्यवस्था में भारत के महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की व्यवस्था के कारण वो अपने हाथ से पानी तक विद्यालय का नहीं पी सकते थे, स्कूल के क्लास से बाहर बैठते थे, वो सबसे पीछे बैठाए जाते थे, उनका जातिगत कारणों से उनका बाल काटने को कोई तैयार नहीं था। ये जाति की व्यवस्था थी जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। अभी भारत का संविधान है भारत में, तब आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को जाति के आधार पे आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, जाति के आधार पे उनसे काम नहीं करा सकते, जातिगत आप गाली नहीं दे सकते। जाति, क्योंकि जाति भारत में संविधान के कारण समाप्त हो चुका है, और ये बार बार दोहराना कि भारत का संविधान जातिवादी है, जातिवाद को बढ़ा रहा है, तो लोगों को, लोग जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको एक तो भारत के संविधान की समझ नहीं है, उतनी पर्याप्त जानकारी नहीं है, और वो पुरानी व्यवस्था में अभी भी वो उनका ख्याल है। और भारत का जो जातिगत व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं, वो अगर आप बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे तो जातिगत जो मानसिकता है वो मानसिक रोग है,
मनोरोगी लोग हैं, आप एक पढ़े लिखे हुनरमंद लोग, ज्ञान विज्ञान से जो लैस लोग हैं, जो विज्ञान को समझते हैं, देश और दुनिया के लिए काम कर रहे, उनको ये कहना कि नहीं ये छूत है, इसके हाथ का एक गिलास पानी नहीं चलता है, ये नीच जात का इतना बड़ा ओहदे पे कैसे आ गया, ये कुछ नहीं, ये विद्वेषपूर्ण बातें हैं, इससे भारत के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने भूमिका के तौर पर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी बात रखी है। हम आपके पास फिर से लौटेंगे दोबारा, हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ गए हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं, वेदराम जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम पे। और जिस ढंग से 5,647 जाति में जो बांटा गया है, आखिर इस इतने सारे जाति को बनाने के पीछे कौन थे और कौन लोग हैं, ये सर्वविदित है। तो बहरहाल इसको विस्तार से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, जनजागृति के माध्यम से लोगों के बीच में सच्चाई को लाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय संविधान में हर इंसान को, हर नागरिक को समान अधिकार देता है और उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोगों ने कभी संविधान की किताब के एक पन्ने को भी नहीं पढ़ा है, ना देखा है, उसकी प्रीएम्बल को भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उस एक जिसको ग्रंथ, उस ग्रंथ को अगर ये कह सकते हैं कि जिसन से गुरु सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का जो सम्मान और आदर है, वैसे ही भारत के संविधान का एक आदर और सम्मान है और वो भारत का एक महान ग्रंथ है। लेकिन आए दिन आप देखते होंगे कि ऐसे ग्रंथ को भी लोग दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर में लोग प्रतियों को फाड़ के जला दे रहे हैं और लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कितना बड़ा देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। लेकिन बहरहाल इस पर हम ना जाते हुए इसकी ज्ञान और सच्चाई और तथ्यों के ऊपर हम तथ्यात्मक बात, संवैधानिक बातों को लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। हमारा इस चर्चा को लेकर किसी को आहत करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो संविधान की इतनी बड़ी महान संविधान, जो भारत के संविधान को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा महान और सबसे बड़ा अच्छा संविधान, भारत के भारतीय संविधान को कहा जाता है, तो हम आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। मैं इस परिचर्चा पर मैं दिल्ली से एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई है रोशनी देवी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि जो संतोष साहू साहब ने अपनी बातें रखी है उस पर एक समीक्षात्मक चर्चा करते हुए, जो एक प्रतिनिधित्व का अधिकार है, रिजर्वेशन एक प्रतिनिधित्व का अधिकार है और इस संविधान से जातिवाद समाप्त होता है, ना कि जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पर मैं रोशनी देवी जी से अपने प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। रोशनी जी आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद जी। जय भीम। मैं मानवता चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं अपनी बात रख सकूं। जहां तक मेरा विचार है, मैं ये जानती हूँ कि जो संविधान लागू हुआ था हम लोगों के लिए, वो कुल 10 सालों के लिए किया था बाबा साहिब ने। उसको जितने मनुवादी लोग थे उन्होंने उसको बढ़ाते बढ़ाते 72 साल तक खींच दिया है जी। और उससे क्या हो रहा है कि उसी में हम उलझे पड़े हैं। अगर हमारे जो भी ऐसी कास्ट के बच्चे हैं या हम लोग हैं जो इस दौर में पहुंच गए, उनको कभी ऊंचे पद पर लाया नहीं गया, वो इस चीज से वंचित रहे हैं कि वो IAS PAS ऐसे कुछ बन जाते, क्योंकि जाति हमेशा आगे आती रही कि अरे ये तो आरक्षण से यहाँ तक पहुंचा है, जबकि आरक्षण कहीं पर उस बात में लागू नहीं होता। आरक्षण मेरे हिसाब से तो हमारा हक था, मगर अब जब हम बराबरी पे आ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो आरक्षण ना मिले तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण सिर्फ उसको मिले जिसको जरूरत है, ये हमारा हक था। मगर अभी भी हमारे बच्चे जब 90% नंबर ला रहे हैं, उसके बाद भी ये कहा जाता है अरे ये तो आरक्षण वाले हैं, ये इनकी तो नौकरी लगी जाएगी, ये तो अच्छे पदों पे, कोई अच्छे पदों पे नहीं आने दे रहा, क्योंकि जितने मनुवादी लोग हैं वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। जो नौकरियां हमें दी जाती हैं उसमें फार्म भरने के टाइम पे एक कॉलम होता है जहां पर जाति की जगह पर SC ST OBC लिखा जाता है, वो छटनी उसी टाइम हो जाती है हमारे लोगों के लिए कि इसको आगे जाने ही नहीं दिया।
जाने देना भी नहीं है, वो फार्म उसी टाइम छट जाते हैं। तो मैं जहां तक जानती हूँ और या जहां तक मेरा विचार है, मैं तो यही चाहूंगी कि अगर हम इस लायक हो चुके हैं या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको आरक्षण ना मिले, उनकी वैल्यू रहनी चाहिए, उनको वो पद मिलने चाहिए जिनके वो लायक हैं। जी जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, बहुत अच्छी आपने टिप्पणी करते हुए अपनी बात रखी है। हालांकि रिजर्वेशन को लेकर इतनी भ्रांतियां लोगों के अंदर में फैला दिया, आपने कहा कि 72 साल तक इन लोगों ने ही, राजनीतिक नेताओं ने ही इस आरक्षण को खींचा, और आज वही अपने वर्ग के अपने युवा लोगों को ये इस आग में झोंक करके इसको इतना इसको एक दंगा फसाद की स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक तरफ बहुसंख्यक समाज के लोग इसमें आपस में भिड़ जाएं और एक देशव्यापी विवाद फैल जाए, ताकि लोगों के अंदर में एक बड़ा इशू बन जाए। आप जानते हैं कि देश के अंदर में कोई ना कोई ऐसा इशू ला करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, जबकि इसकी सच्चाई ये है कि आज भी हमारे लोगों को आरक्षण का सही अधिकार नहीं मिला है। अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन का जो बड़े बड़े पदों पर, उच्च पदों पर अगर आप देखेंगे कि कौन बैठा हुआ है, तो उसमें अगर आप आंकड़ा आप देखेंगे तो 75% सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति कैसे हो गई, जब इनको इतना बड़ा आरक्षण नहीं मिला है या इनको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो फिर सारे उच्च पदों पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसे पहुंच गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं इसको लेकर, हमारे और भी साथी हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। वेदराम जी, हमें अगर सुन पा रहे हैं तो आप इस चर्चा पर भाग लें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वेदराम जी, हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनके साथ हमारा कनेक्शन शायद कुछ गड़बड़ है। तो मैं इस अगले सवाल को लेकर फिर से दोबारा संतोष साहू साहब के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, जिस ढंग से अभी रोशनी जी ने अपनी बातें रखी है, तो इनके विचार से आप कितना सहमत हैं, और जिस ढंग से ये जो राजनीति के रूप में इतने लंबे समय तक खींचा गया है जो आरक्षण को लेकर, तो आप अपनी रोशनी जी के विचारों पर अपने विचार व्यक्त करें। संतोष साहू साहब जी, अभी जो बातें माननीय रोशनी जी के द्वारा कहा गया, वो ये उनका निजी विचार है, उससे मैं उसका समर्थक नहीं हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आरक्षण की बात है, आरक्षण भारत में 10 वर्ष के लिए था, कौन सा आरक्षण 10 वर्ष के लिए था ये भी स्पष्ट करना चाहिए। भारत में आरक्षण 4 तरह का है, एक शिक्षा में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण भारत में अनुसूचित जाति को है, जनजाति को है और ओबीसी को है, शिक्षा में आरक्षण तीनों वर्गों को। फिर सर्विस में आरक्षण दूसरे नंबर पे सर्विस का आता है। जब ये पढ़ लिख गए अपने अपने वर्गों में, तो आप देखे होंगे कि जब भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिखा रहता है अनुसूचित जाति के लिए 10 पद, 5 पद, 50 पद, ऐसे जो भी पद है एग्जाम्पल। तो अनुसूचित जाति के अंदर हजारों लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, 10 पद के लिए लाख आवेदन आए तो लाख में से 10 लोगों की नौकरियां लगी। इसमें 99,990 लोग बाहर हो गए, जो मेरिट के लोग थे, जो अव्वल है उनका सर्विस लगा। फिर दूसरी बात है, इस देश में एक तो शिक्षा में आरक्षण है, दूसरा नौकरी में आरक्षण है, तीसरा नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण है, और चौथा जो आरक्षण है वो राजनीतिक आरक्षण है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब इस देश में 1952 का चुनाव लड़े भंडारा में, और एक चौथी पास आदमी बाबा साहब को आर्थिक भ्रष्टाचार कर हराया, तो बाबा साहब को समझते देर नहीं लगी कि ये राजनीतिक आरक्षण
से हमारे ही लोगों को मनुवादी लोग उठाएंगे, उसके पीछे पैसे लगाएंगे, आर्थिक भ्रष्टाचार करेंगे और अपने ही लोगों से अपने लोगों के अधिकार को ये समाप्त करेंगे, इससे पहले कि ये राजनीतिक आरक्षण भारत में तत्काल समाप्त हो। भारत में राजनीतिक आरक्षण का सबसे ज्यादा सबसे प्रबल अगर कोई समर्थक रहे ये आरक्षण को इस रूप में जो लाए वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, और उन्होंने ही भारत के आजाद भारत के संसद में सबसे पहले राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो इसका प्रस्ताव संसद में पेश किए। कौन सी आरक्षण समाप्त हो? राजनीतिक आरक्षण समाप्त हो। लेकिन भारत में जो एक नंबर का आरक्षण है शिक्षा में, दूसरा नौकरी में, तीसरा नौकरी में प्रमोशन के ऊपर, ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल है। हाँ, ये जरूर है कि अनुसूचित जाति के जो आने वाला पीढ़ी या जो अभी वर्तमान में है, अनुसूचित जनजाति के जो हमारे विद्यार्थी हैं या शोध करने वाले लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, शोध करने वाले हैं, इन लोगों को जी इन लोगों को कमोबेश भारत के राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं है। जी ये कुछ फोन आ गए थे, ये कहना कि हम शेड्यूल कास्ट के इसलिए लोग दबा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के इसलिए लोग हमें दबा रहे हैं, ओबीसी के लोग हैं इसलिए हमारी मानसिकता को दबाया जाता है, ये बिल्कुल सामाजिक समझ, समाज में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था, जो घृणित व्यवस्था थी उससे कैसे उबारा जाए, उसके लिए इससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं था जो भारत में लाया गया। अगर आज भारत में आरक्षण नहीं होता, एक्चुअल आरक्षण शब्द ही भ्रामक है, प्रतिनिधित्व की बात है, इस देश में पांच वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में। अभी भारत का कुल जनसंख्या लगभग 137 करोड़ है, 137 करोड़ लोग पांच भाग में है, पांच वर्ग में है, पांच समूह में है। ये क्यों है? जैसे अभी हम बोलते हैं कि मैं अनुसूचित जाति हूँ, तो मैं अनुसूचित जाति कैसी हूँ, उसका पैमाना क्या है? तो मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हूँ, और पूरे भारत भूमि पे मेरे साथ अछूतपन का व्यवहार किया गया, मेरे हाथ का एक गिलास पानी नहीं चलता था, मेरी परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे, कुत्ते गधे बिल्ली गाय भैंस घोड़े ऐसे सार्वजनिक कुएं तालाब का पानी पी सकते थे, पर मैं अछूत हूँ, मेरे पानी को छूने से वो अस्पृश्य हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था का मैं इस देश में निरंतर शिकार हुआ हूँ। यही वो पैमाना है कि इस देश में 1703 जाति अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया, और हर जाति का 12 उपजाति, इससे भी ज्यादा उपजाति को मिला के अनुसूचित जाति नाम का एक समूह अस्तित्व में आया। और मुझे शिक्षा में आरक्षण मिला, नौकरी में आरक्षण मिला, नौकरी में आने के बाद प्रमोशन में आरक्षण मिला, और इस देश के विधानसभा लोकसभा ऐसे क्षेत्रों में राजनीतिक से आरक्षण मिला, ताकि सदियों सदियों मेरे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, दमन हुआ, तो मैं ऐसी स्थिति में मुख्य धारा में कैसे आ पाऊंगा? इसके लिए भारत का संसद और भारत के संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की, और सबसे बढ़ चढ़कर इन बातों के लिए अगर पुरजोर वकालत कोई किया तो कोई और नहीं, महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति क्या है? जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पर उनमें ट्रेड ऑफ ट्राइब है, कबीलाई गुण है, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया गया, तो भारत में 850 जातियां मिली, और हर जाति का 12 उपजाति, उससे भी बहुत ज्यादा उपजाति, सबको मिलाकर एक पहचान दिया गया, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति को भी शिक्षा में आरक्षण मिला, नौकरी में आरक्षण मिला, और नौकरी में आने के बाद प्रमोशन में आरक्षण मिला, और राजनीतिक आरक्षण मिला। ये एक बातें हुई। तीसरी जो बात है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है?
बाबा साहब को पता था अनुसूचित जाति की पहचान हो गई, जनजाति की पहचान हो गई, पर इन्हीं की तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, पर मनुवादी व्यवस्था में जो लोग सछूत हैं, छूने लायक जो जातियां हैं, जैसे मैं तेली जाति का आपको बताया, हमारा पुरखा तेल बनाया, अगर तेल को इस देश का मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग बोलते नहीं नहीं ये तेली का छुआ हुआ तेल है, हम उपयोग नहीं करेंगे, तो आज की तरह बिजली, पेट्रोल, डीजल, सौर प्लेट, बैटरी तो नहीं थे, तेल ही एक साधन था रोशनी का और उसको उपयोग करने का, जैसे कुम्हार है मिट्टी के घड़े मिट्टी बनाए, उसको कैसे पकाए, पानी उससे रखा गया, भोजन उससे पकाया गया, अगर उस समय कहा जाए नहीं नहीं इनके घड़े का हम उपयोग नहीं करेंगे, इनके बर्तनों से हम खाना नहीं पकाएंगे, तो आज की तरह स्टील कांस और ऐसे बर्तन तो नहीं थे, ऐसे ही कामगार जातियों को मनुवादी व्यवस्था सछूत बना के रखा इस देश में हजारों साल, सदियों सदियों, ऐसे सभी लोगों को इस देश में बहुत समझदारी से भारत के महामानव ने इतनी बड़ी व्यवस्था स्थापित की है। हाँ ये जरूर है कि इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है, आरक्षण हमारी कमजोरी नहीं है और हमें आरक्षण नहीं मिला है, हमें प्रतिनिधित्व मिला है, ये आरक्षण 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 करने वाले लोग इस देश के अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, पिछले वर्गों के साथ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ, हमारे पीढ़ी के मानसिकता को ये तोड़ने जैसा बात करते हैं, उनको डिप्रेस करने जैसा बात करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व का बात है, आज हम अछूतपन का दंश झेले हैं, हम जंगलों में आदिवासी के रूप में जहां जीवन जीने लायक सुविधा नहीं थी, हम अपने वंशजों को बचा के रखे हैं, हम सछूत बन के घूमते रहे बिना मोल का, मनुवादी व्यवस्था के अंदर हम अपना पूरा जीवन लगाते रहे, और आज हमें एकाई आज कॉन्वेंट स्कूल में सब सुविधा युक्त एक बच्चा पढ़ता है और एक गांव का बच्चा पढ़ता है, आप कल्पना कर सकते हैं दोनों में समानता होगी, और ये तो अभी हालात वर्तमान की बात है, जिनको हजारों साल शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, मान सम्मान से वंचित कर दिया जाए, अच्छे नाम रखने ना दिया जाए, महिलाओं को दास और सेवक बना के रख दिया जाए, आप सोचिए कि उसके साथ इतने लंबे समय के बाद क्या परिणाम आएगा उसके जीवन में, उसके सोच में, उसके जीवन शैली में, ये कैसी बातें हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत में बरदा जो आरक्षण है, जो प्रतिनिधित्व है, वो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, और इससे समय समय पे धर्म परिवर्तित मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनियों के लिए वरदान साबित हुआ, ये हमारा जीवन मरण का सवाल है, हमें किसी भी तरीके से किसी से डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हक है, हमारे महान पुरखों ने सदियों सदियों अपना जान गंवाया, अंग्रेजों से लड़ने में लगभग 7 लाख लोगों का जान गया, उसका आंकड़ा आप अगर सही से ही निकाला जाए तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग कौन थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, बैकवर्ड लोग थे, सिख लोग थे, मुस्लिम भाई थे, आप रिकॉर्ड देखिए सबसे ज्यादा अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने में इन लोगों का हाथ था, इसके पहले मुगलों का जो 330 वर्ष तक अत्याचार और जुल्म सितम सहने वाले लोग सबसे ज्यादा कौन थे, जो आज जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोल रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब बोल रहे हैं, बैकवर्ड बोल रहे हैं, यही लोग मुगलों के अत्याचारी शासन के शिकार हुए थे, उसके पहले आप मंगोलों का देखिए, तो भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से समझना है, आने वाले पीढ़ी को बताना है, ये बात सही है कि जब तक समाज को नहीं बताया जाएगा, समाज को कैसे पता होगा कि ये क्या है और क्या नहीं है, तो मैं अंततः ये कहना चाहता हूँ कि भारत का आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण तत्व है, प्रतिनिधित्व के बिना लोकतंत्र दुनिया में नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, और चूंकि भारत में अनुसूचित जाति के रूप में, जनजाति के रूप में, अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में, यह धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अभी जो व्यवस्था है 26 जनवरी 1950 से अब तक, ये कालांतर में बहुत बड़े शोषण के शिकार हुए हैं, इनका भरपाई देश दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये भारत का संसद भी माना, पर इनको रियायत दे सकते हैं मुख्य धारा में आने के लिए। तो मैं अंततः यही कहना चाहता हूँ जगदीश सिंह जी कि भारत के आरक्षण के ऊपर आप वाई साहब मानवता के माध्यम से जो बातें एक दूसरे के बीच में हम सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को बता पा रहे हैं, और भी विद्वानों को आप शामिल करेंगे ताकि आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व के ऊपर जो दोष लगाया जा रहा है
हमारे बच्चों के मानसिकता से जिनको इससे फायदा हुआ। अभी आप पूछें भारत का राष्ट्रपति किस आधार पे है, तो आपको पता चलेगा कि अनुसूचित जाति का वर्ग से वो बिलोंग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में उनसे पूछा जाए कि सामाजिक व्यवस्था में आपकी क्या परिस्थितियां हैं, तो आपको पता चलेगा जितने भी अभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के भाइयों को लोकतांत्रिक प्रणाली में जो प्रतिनिधित्व का मौका मिला है वो लोकतंत्र का प्राण तत्व प्रतिनिधि में छुपा है, इसी वजह से मिला है। और ये निर्वाध रूप से सत्य है कि भारत में आरक्षण चार तरीके से है, शिक्षा का आरक्षण है, नौकरी का आरक्षण है, नौकरी में प्रमोशन का आरक्षण है और राजनीति का आरक्षण है। सभी आरक्षण को एक साथ साहू जी, मैं जिस ढंग से भारत में आज की परिदृश्य में आपने देखा होगा कि कुछ एक डेढ़ सालों के अंदर में आपने देखा होगा ऊना कांड हुआ, लोग आज भी शादी में दलित वर्ग के लोग मूछ रख लिए तो मूछ काट दिए जाते हैं, घोड़ी में चढ़ लिए तो घर घोड़ी से उतार के मारा पीटा जाता है। तो ये तमाम जाति जातिगत जो यातनाएं हैं, जातिगत जो घटनाएं हैं, क्या दर्शाता है भारत के अंदर में? आखिर में ये जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? आज क्यों भी क्यों दलितों को इस टाइप से, मतलब उनके जवान बेटे कोई अगर किसी सामान्य वर्ग के लड़की के साथ में शादी कर लिया तो कोई दलित वर्ग का तो उसको जान से मार दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं आप देख सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में या ऊना में या तमाम ऐसे कई उदाहरण हैं जो आए दिन कुछ न कुछ घटना को लेकर जातिवाद की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है वर्तमान परिदृश्य में? क्या भारत के अंदर में जातिवाद ये जो दलित वर्ग के लोग हैं ये बढ़ा रहे हैं, या SC ST OBC के लोग हैं ये बढ़ा रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? जी ये एक बड़ा सवाल है आपके द्वारा कि भारत में जातिवाद को कौन बढ़ा रहा है। भारत में जातिवाद को मनुवाद बढ़ा रहा है, ब्राह्मणवाद बढ़ा रहा है, जो कभी भी इंसान को इंसानी हक देने के लिए तैयार नहीं है। मनुवादी विचारधारा का क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जबकि गौतम बुद्ध का जो आंदोलन था वर्ण व्यवस्था के विरोध में था। उस समय तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में वर्ण व्यवस्था था, जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। जाति की व्यवस्था तो आज से ईसा मसीह के जन्म से 180 से 150 के बीच में इसका बीज रोपा गया। तो भारत में जातिवाद को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो इस देश में जाति के नाम पे जो लाभ लेते हैं, लाभान्वित लोग हैं, वो चाहते हैं कि निरंतर जाति के नाम पे समाज को दबा के रखा जाए। और इस देश में जो जातिगत यातना झेल रहे हैं, जाति के नाम पे अपमानित हैं, जाति के नाम पे शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, वो कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के जो भाई हैं उनको जाति के नाम पे दंश झेलना पड़ रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को झेलना पड़ रहा है, पिछड़ी जाति को झेलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इस देश के 90% से भी ज्यादा जो संख्या है वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, बैकवर्ड का है और धार्मिक अल्पसंख्यकों का है। इन लोगों को भारत में आज भी जाति के नाम पे दंश झेलना पड़ रहा है। आपने जैसे कहा कि जाति के नाम पे आप मूछ नहीं रख सकते, ऐसे मूछ रख दिए तो उसे पकड़ के काट दिया जाएगा। आप शादी विवाह में जो एक रस्म है, आप घोड़ी घोड़ा पे नहीं चढ़ सकते, आप इज्जत मान से बारात नहीं जा सकते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। अभी कई बार ये आता है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में कि कुछ ऐसे अपर कास्ट का बस्ती है वहां जूता चप्पल पहन के आप नहीं गुजर सकते। ये किससे छुपा हुआ है? ये जो सामाजिक बुराई है इसी को तो भारत का संविधान समाप्त करने के लिए पूरा वकालत करता है। भारत का संविधान आज अस्तित्व में इसलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग इस देश में इज्जत मान से सांस ले पा रहे हैं। अगर भारत का संविधान नहीं होता, आप कल्पना कर सकते हैं, अभी भारत का संविधान है, समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है, अगर भारत में कानून का राज है तो पकड़ के मूंछ काट देना, जाति के नाम पे यातना देना, बारात आप नहीं इज्जत से जा सकते। और एक जो शब्द बार बार कहा जाता है दलित, दलित इस शब्द से मैं बिल्कुल सरोकार नहीं रखता हूँ। दलित कोई शब्द नहीं है, भारत के संविधान में दलित नाम से एक भी अक्षर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये शेड्यूल कास्ट के लोगों की मानसिकता को गिराने के लिए उनके साथ हर वक्त ये दलित है, अरे दलित से क्या बोध होता है?
जो शेड्यूल कास्ट राजनीतिक 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 भाषा के रूप में दलित दलित सब जोड़ दिया गया। देश में तीन जो बातें चल रही हैं उसका पुरजोर खंडन करना चाहिए। एक तो दलित, दलित से क्या मतलब है? जो भी आदमी भारत का कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर दलित शब्द बोलता है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि दलित शब्द से अभिप्राय क्या है, क्या इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट क्या है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे और उनमें उनको अछूत बना के रखा गया था। किसने बनाया? मनुवादी व्यवस्था ने बनाया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने घोषित किया कि ये अछूत हैं। तो ऐसा जो सामाजिक पिछड़ापन था, शैक्षणिक पिछड़ापन था, अछूतपन था, इसको मिलाकर हजारों जाति उपजाति में बिखरे लोगों को एक पहचान दिया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एससी, एस का मतलब शेड्यूल, सी का मतलब कास्ट, जोड़ा गया। किनको जोड़ा गया? जो सामाजिक पिछड़ापन, विभिन्न विभिन्न जाति में बटे हुए लोगों को जोड़ने का काम किया गया जी। तो एक समूह है, पर ये नया एक शब्द लाना कि ये दलित हैं, ये दलित हैं, इसका इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक दायरे में रखकर कानून का पालन करते हुए समस्त भारत के अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अन्य पिछड़े वर्गों को सड़क पे आना चाहिए कि ये गैर संवैधानिक शब्द है। इससे इस देश के पढ़े लिखे विद्वान बुद्धियों का मोरल दाम होता है। अगर कोई टीवी वाले अखबारों में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, होकल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, अगर दलित शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर FIR करना चाहिए, क्योंकि इस देश में शब्द ही वो हथियार हैं जो लोगों के मान सम्मान को काटने का काम करते हैं। तो इस देश में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर खुलकर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि भारत में कृषि प्रधान देश है, ये कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि आज भी भारत जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पे लोग उच्च बने रहना चाहते हैं और जाति के नाम पे बहुसंख्यक लोगों को दबाए रखना चाहते हैं, ये और वही लोग हैं कि भारत में निरंतर जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। भारत मनुष्य में जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं। आपको पता है कि पृथ्वी में 196 देश हैं और बाकी टेरिटरीज हैं, भारत के अलावा विश्व में कहीं भी जाति की व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ भारत में है। और ये कब से आई? ईसा पूर्व 180 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक रही। इसके पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था था, इसके पहले भारत में गण व्यवस्था था और अभी वर्तमान भारत में वर्ग व्यवस्था है। तो हमें व्यवस्था को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हम आपके पास इस विस्तार से, इस महत्वपूर्ण मंथन और चिंतन के बारे में आपने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं दोबारा रोशनी और वेदराम जी के पास कोशिश करूंगा कि हमें अगर वो सुन पा रहे हैं वेदराम जी तो हमारे स्क्रीन पे आए और अपने विचार रखें। वेदराम जी, हेलो, वेदराम जी नहीं सुन पा रहे तो रोशनी जी आप आ जाए। जिस ढंग से संतोष साहू साहब ने अपनी बातें विस्तार से रखी है और उनके इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और ये जातिवादी मानसिकता की जो बीमारी है जिसे कोड करना चाहिए, भारत में सामाजिक व्यवस्था के अंदर में ये जातिवादी, जब तक ये कोड का रोग और ये कैंसर का रोग खत्म नहीं होगा तो भारत के अंदर में शांति व्यवस्था और एक भाईचारा जो संविधान में हमें मिला हुआ है, जो भारत की नागरिक को, नागरिकता को एक मिलता है, दर्शाता है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं रोशनी जी को निवेदन करता हूं कि इस पर अपने विचार रखें। रोशनी जी, सर मेरे जो विचार हैं वो इन लोगों से थोड़ा साहू साहब से थोड़ा सा अलग है। मैंने अभी 2 साल पहले जंतर मंतर पे लोगों ने संविधान को जला दिया, जो उच्च जाति के लोग थे उसके पीछे हमने काफी एक बड़ा प्रदर्शन किया कि आज हम लोग इतने जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं, अच्छे बिजनेस में हैं, उसके बावजूद भी संविधान को लोग रोड पर आके जला दे रहे हैं। उसमें आज तक क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण आरक्षण के नाम पर शोषण होता ही रहेगा। अभी इलेक्शन है दिल्ली में, आरक्षण का ये निकाल दिया, अनुसूचित जाति की महिला ही इलेक्शन लड़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पर जातिवाद खत्म हो रहा है? उस पर तो इन्होंने एक मोहर लगा दी है ना कि भाई इस पद पे अगर काम करेगी तो सिर्फ एक अनुसूचित जाति का या दलित जाति का ही व्यक्ति आएगा, जिससे फिर वो उसका शोषण करते रहेंगे, क्योंकि शोषण उन्होंने करना ही है। हमारे लोगों को हमेशा दबा के कुचल के ही रखने की इन लोगों की आदत है, इसलिए किसी भी
किताब से ये हमारे नाम का पन्ना नहीं निकालते, कहीं ना कहीं आरक्षण के तौर पे ये हमें उस पेज पर सबसे ऊपर रखते हैं। अरे इस जगह पे इसका पद होना चाहिए, ये नीची जाति का है, ये फला जाति का है, इसको यहाँ क्यों बिठा लिया। अभी भी ये दुर्व्यवहार होता है लोगों के साथ कि अगर ये नीच जाति का है यार, इसको अब डिस्पोजर गिलास रख लो, उसमें दिया करो ना पानी। ये अभी भी हो रहा है। जातिवाद इस तरीके से जैसे ये लागू कर रखा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बाबा साहिब अकेले लड़ गए इतनी दुनिया में, उन्होंने अकेलों ने संघर्ष किया। आज हम इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं इन लोगों का। या तो पीछे से जाति का नाम ही हटा दिया जाए, सीधा भारतीय लिख दिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगी। जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए है कि भारत जिस ढंग से विदेशों में, अन्य देशों में अमेरिका है तो अमेरिकन, ब्रिटिश है तो ब्रिटेन, और वहां की भाषा भी ऐसी ही मतलब कि इस टाइप से, तो क्यों ना भारत के अंदर में भारतीयता की प्राथमिकता को महत्व दिया जाए। भारत क्या है तो सिर्फ भारतीय है, भारतीय नागरिक है, और कोई जाति नाम का चीज ही नहीं है। जिस दिन ऐसे विचार और ऐसे सामान्य वर्ग के लोग लाना शुरू कर देंगे, उसी दिन जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और रोटी बेटी का जो जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पीछे लगा रखा है एससी एसटी ओबीसी, ये सब हटाकर सिर्फ भारतीय लिखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मेरे सुझाव में तो ये है, और शायद इसको आते आते पता नहीं कितने साल। चलिए बहरहाल इस विषय पर हम और एक सेशन पर और भी विद्वान जनों को बुलाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अभी मैं और अगली प्रतिक्रिया के लिए हमारा समय भी अब नजदीक हो रहा है, क्योंकि हम एक समय सीमा पर ही अपनी बात रखें और अपनी बात को खत्म करें, क्योंकि ज्यादा लंबा किसी बात को खींचना एक थोड़ा सा ठीक भी नहीं है। तो मैं इस वेदराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? वेदराम जी घर में है? वेदराम जी सहारनपुर से जुड़े हैं। अच्छा, तो उनको बोले हमारे साथ जुड़ने हो रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही उनकी। बहरहाल में संतोष हो सकता है जो, बहरहाल मैं संतोष साहू के पास दोबारा फिर से अगली प्रतिक्रिया के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रोशनी जी ने अपनी बातें रखी उस पर आपका कथन क्या है, और भारत के अंदर में ऐसे जो जाति व्यवस्था को लेकर, आरक्षण को लेकर हम कैसे उभर सकते हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग हैं जो प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने की है, क्या हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा हक अधिकार हमें आज की परिस्थिति में भी, अभी की स्थिति में भी हमें पूर्ण रूप से मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, तो इस कंट्रोवर्सी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, और कैसे हम भाईचारा सामान्य वर्ग के लोगों के साथ, और जो भारत के मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, जो आबादी की दृष्टि में देखा जाए तो आज ओबीसी के 52% है, और एससी एसटी के लोगों का भी प्रतिनिधित्व अगर कुल मिला के इनको अगर तीनों की जो संख्या को जोड़ें तो ये 90% 85% के ऊपर चला जाता है, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो इसका जो सर्वे निकाला था उसमें 85/15 का राज नहीं चलेगा, ये उन्होंने नारा भी दिया था, और इस बात से ये खत्म हो जाती है कि 85/15 के लोग 85% कैसे मतलब राज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका मकसद था कि 15% के लोग हमारे ये 85% के ऊपर राज कर रहे हैं, ये उनका मकसद था, मतलब ये हमारे हक अधिकार को ये लोग खा रहे हैं। लेकिन आज यही लोग जता रहे हैं कि हमारे हक अधिकार को ये छीन ले लिए हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को प्यार से और संवैधानिक दायरे में रह करके खत्म करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो मैं इस पर अगली प्रतिक्रिया के रूप में, लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में संतोष साहू साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर विस्तार से थोड़ी सी और चर्चा करें, और हम अगले एपिसोड में फिर इसको विस्तार से हम बात करेंगे। संतोष साहू साहब हेलो, मुझे लगता है संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं संतोष साहू साहब जी? अभी बहन जी के द्वारा जो कहा गया मैं सुन रहा था कि इस देश में ऐसी व्यवस्था से जाति की व्यवस्था का अंत नहीं होगा। ये बात सही है कि भारत में बहुत, जैसे भारत से अंग्रेज गए, भारत का संविधान अस्तित्व में आया, काश भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर टीवी सीरियल बनाए गए होते, पिक्चर बनाए गए होते,
जो भारत के संविधान की मंशा है उसको जन जन तक पहुंचाया गया होता तो शायद भारत में जाति का नाम लेने वाला आज नहीं बचता। आज भारत में वर्ग व्यवस्था है। मैं कई बार अपनी बातों को दोहराता हूँ कि भारत में या तो हम अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं या अन्य पिछड़े वर्ग हैं या समान हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। ये कब अस्तित्व में ये शब्द आया? ये 1928 से 1932 के बीच में जब बाबा साहब को पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। मंदिरों में हम इंसान हैं, हमें मंदिरों में पूजा पाठ और ईश्वर का हम दर्शन कर सकें, ये हक मिलना चाहिए। कालाराम मंदिर प्रवेश का उनको आंदोलन करना पड़ा। उस समय अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी बैकवर्ड जनरल या धार्मिक अल्पसंख्यक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय भारत में जातिगत व्यवस्था था और जाति के नाम पे इस देश में पानी तक को पीने से वो लोग वंचित करके रखे थे। सार्वजनिक जगह पे जो शेड्यूल कास्ट की सूची में जो जातियां हैं वो पानी तक को नहीं छू सकते थे, वो सार्वजनिक जगह पे नहीं जा सकते थे, मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते थे। ये छोटी छोटी जातियां पूरे देश में फैली थी। आज छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल कास्ट की सूची में जाति है, अगर जाति की व्यवस्था के आधार पर आप बात करें तो यहाँ की जाति आपको कश्मीर में एक भी वो नाम भी पता नहीं चलेगा। आप साउथ में जाए दक्षिण में यहाँ वहां जो जातियां उसका नाम कभी आपको पता नहीं चलेगा। आसाम आप जाएं तो आसाम में शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड की जो जातियां उसका नाम भी छत्तीसगढ़ के लोगों को पता नहीं है। गुजरात में जो जातियां हैं उसका नाम भी पता नहीं है। लेकिन हम कहीं भी जाएंगे अगर मैं कहता हूं मैं शेड्यूल कास्ट हूं, पूरे देश में हमारा जो संवैधानिक हक है जो छत्तीसगढ़ में है वही दिल्ली में मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, कन्याकुमारी में मिलेगा, चाहे आसाम में मिलेगा या गुजरात में मिलेगा। या मैं कहूं कि मैं अनुसूचित जनजाति हूं तो मुझे मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो इस देश के किसी भी भूभाग में एक ही जैसा मिलेगा। या मैं कहूं कि मैं ओबीसी हूं, अन्य पिछड़ा वर्ग हूं, तो पिछड़े वर्गों का जो हिस्सा है, जो संवैधानिक अधिकार है, इस देश के किसी भी भूभाग में एक ही जैसा मिलेगा। हाँ, संख्या के अनुपात में कम ज्यादा हो सकता है। जनरल है तो पहले जनरल के रूप में ब्राह्मण अलग थे, क्षत्रिय अलग थे, वैश्य अलग थे, तीनों का अलग अलग पहचान था। लेकिन भारत का संविधान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को एक पहचान दिया, सामान्य जनरल कैटेगरी दिया, उनको भी भारत का नागरिक घोषित किया। और जो भारत के जिनको अछूत बना दिया गया था, जो जंगलों में खदेड़ दिए गए थे, जो सछूत बना के रख लिए गए थे, ऐसे लोगों को भी भारत का संविधान भारत का नागरिक घोषित किया। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पे जिनको विशेष अधिकार था उनको भी सिर्फ भारत का नागरिक घोषित किया गया। ये बात सही है कि आज की व्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है तो वो अनुसूचित जनजाति है। दूसरे नंबर पे विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है वो अनुसूचित जाति है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसके बाद चौथे नंबर पे समान है और पांचवें नंबर पे धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो ये एक दिन का ये विषय नहीं है, निरंतर जब इस पे चर्चा होगी तो बातें छन के आएगा। मैं अंततः ये कहना चाहता हूं कि भारत का जो व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, संविधान के अंदर इस देश में सारा बात है, उसको अभी भी समय है कि उसके ऊपर सीरियल बनाए जाएं, उसके ऊपर पिक्चर बनाए जाएं, जन जन तक भारत के संविधान को बताया जाए। अभी तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून रद्द होना चाहिए, ये संविधान बहुत पुराना हो गया, संविधान में जंग लग गया। अरे, आपने संविधान को शायद देखा नहीं, छुआ नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं और आप कहते हैं कि भारत का संविधान पुराना हो गया। विश्व का सर्वोत्तम संविधान अगर कहीं पर है तो भारत में है और भारत के संविधान से दुनिया प्रेरणा ले रहा है और हम अनजाने में भारत के संविधान के ऊपर बातें करते हैं, ये सरासर गलत है। इंडियन पेनल कोड अंग्रेजों ने लागू किया, वो अभी भी भारत में चल रहा है। भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, समस्त कानून का स्रोत भारत के संविधान को बनाया गया। तो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो कोशिश की गई, जो मेहनत किया गया, उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसा शायद विश्व में कोई और आदमी नहीं है जो अपनी पूरा सेहत को, परिवार को कुर्बान करके और इस देश में काम किए। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ भाई जगदीश सिंह जी, और आपके द्वारा
जो ये चर्चा कराया जा रहा है संविधान के ऊपर, भारत के जाति व्यवस्था के ऊपर, भारत के वर्ण व्यवस्था के ऊपर, भारत के छुआछूत के ऊपर, भारत की गरीबी के ऊपर, अभी भी देखिए अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड का क्या हालत है। देश में सबसे ज्यादा अगर मजदूर कोई है तो पिछड़े जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। पूरे देश की संपत्ति में 90% लोगों का कितना हिस्सा है इसके ऊपर आप छानबीन कर सकते हैं। नौकरियों की बात है, भारत को चलाने के लिए अधिकतम 2,10,00,000 आसपास सर्विस है, 2,10,00,000 लोग भारत के 137 करोड़ लोगों को चलाते हैं। हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है, हर आदमी अगर भारत के सर्विस की व्यवस्था में आएगा तो भारत में क्या होगा जी। तो बहुत सारी बातें हैं इस देश का, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, ऐसी अलग अलग जो समाज की व्यवस्थाएं हैं उसमें सभी को जागरूक और जानकार होने की जरूरत है। और भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व है। मैं बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, भारत के लोकतंत्र के अंदर 137 करोड़ लोग लगभग हैं। 137 करोड़ लोग संसद में नहीं बैठ सकते, समस्त विधानसभा में नहीं बैठ सकते, राष्ट्रपति के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हम प्रतिनिधि बनाकर वहां पे भेजते हैं और वो प्रतिनिधि फिर पूरे देश को चलाते हैं। उसमें सभी वर्गों के लोगों का राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, शैक्षणिक भूमिका होना चाहिए, सर्विस में होना चाहिए, मिलिट्री में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए, व्यवस्था में होना चाहिए, समस्त कार्यपालन का जो अंग है उसमें होना चाहिए, ताकि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो सके और देश के लोग शांति और भारत को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके। इस विषय में इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, इस महत्वपूर्ण चर्चा को देख रहे सुन रहे सभी दर्शकों से हमारा अपील है कि वो एक भाईचारा और एक जो भारत में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले, मौलिक अधिकार का हक मिले, ये भारत के प्रीएम्बल में शामिल है। आप उसकी प्रथम प्रस्तावना को ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार है, सबको हक अधिकार है। तो उसी अधिकार के तहत आज हम ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ये बात हम रख रहे हैं और आने वाले समय में हम और भी बुद्धिजीवियों को बुला करके हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम जनरल कैटेगरी के लोगों को भी बुलाएं ताकि उनकी भी प्रतिक्रिया को हम शामिल कर सकें। मैं रोशनी जी से निवेदन करूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें और उसके बाद में हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। हमारा समय भी इजाजत हमको नहीं देता है, तो मैं रोशनी जी से लास्ट कमेंट के लिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी विचार रखें। रोशनी जी। जी, मैं अपना विचार में अब लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी दलित एससी समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, सिर्फ पुलिस और बॉर्डर पे मिलेंगे। ज्यादातर ये नौकरियां इनको दी जाती हैं कि इनको अगर ऐसे नहीं मार सके तो ऐसे मारिए। क्यों ऊंची जात के लोग ज्यादातर फौज में या पुलिस में नहीं जा रहे हैं? कौन से व्यक्ति को आज घरों में नौकरियां मिल रही हैं? एक जमाना था एससी के नाम पर दे दिया अंग्रेजों ने नौकरी, अब कहां नौकरियां हैं? अब तो पहले ही अलग कर दिया जाता है इसको, अगर आगे बढ़ा दिया तो कल को ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जाति का नाम बिल्कुल हटा दिया जाए कि एससी है या एसटी है या ओबीसी है, ओनली भारतीय, रोशनी भारतीय या साहू साहब जो भी है भारतीय। ये पीछे जो लग रहा है जैसे मैं रोशनी चोपड़ा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये सीधा सीधा ये होना चाहिए कि रोशनी भारतीय। मैं तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रोशनी जी। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप दिल्ली में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हक अधिकार के लिए। मुझे लगता है कि आपके इस विचारधारा को लोग बहुत सारे लोग समर्थन करेंगे और हर भारतीय नागरिक भी इसको समर्थन करेगा। मैं लास्ट कमेंट के लिए, रोशनी जी ने अपनी बातें रखी है उस पर प्रतिक्रिया के स्वरूप आज के इस अंतिम परिचर्चा पर मैं संतोष साहू जी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर सारांश के रूप में
और रोशनी जी के विचारों को समर्थन करते हुए या उनके समर्थन या असमर्थन करते हुए जो भी उनकी बातों को आप क्या किस दिन किससे सोचते हैं इस पर अपनी बात रखें। संतोष आओ साहब लास्ट प्रतिक्रिया। जी बहन जी के द्वारा जो कहा गया ये बात सही है कि जब तक नाम के पीछे जाति सूचक शब्द रहेंगे तब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। पर मैं आखिरी में संक्षिप्त समय पे कहना चाहता हूँ, फिर आगे कभी बातें होंगी, कि भारत में जो व्यवस्था है एक सामाजिक व्यवस्था है, दूसरा संवैधानिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में हम कहाँ खड़े हैं और संवैधानिक व्यवस्था में हम कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर एक चर्चा होना चाहिए। और ये बात सही है कि भारत में जो नौकरियां हैं, आप सब के सामने ही इस देश का स्कूल का निजीकरण हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, बैंक का हो गया, जहाज का हो गया, यहाँ तक कि रेलवे में भी बस वो पटरी और इंजन बच गया है, बाकी तो आप देख ही रहे। तो जो निजीकरण हुआ, निजीकरण में जो जब कोई चीज है जो सार्वजनिक क्षेत्र का चीज है उसको बेच दिया गया, उसका एक मालिक हो गया, तो वहां शासकीय सर्विस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई इस देश के मनुवादी लोगों ने किया। और देश के जो लोग सर्विसों में गए, एक वक्त आया 26 जनवरी 1950 के बाद 1964-65-70 से जो लोग प्रशासन में आने लगे, और इसके बाद फिर से निजीकरण के नाम पे रोक लगा दी गई, एक लंबा बात है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जाति की व्यवस्था कानूनन समाप्त हो गया है, वर्ग का व्यवस्था है। और वर्ग में भी अब तो विज्ञान का जमाना आया कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड और समय समय पर धर्म परिवर्तित लोग एक वंश के लोग हैं, डीएनए से प्रमाणित हो गया। अब तो ये बात सही है कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड ऐसी जो शब्द है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको हम और आप नहीं बदल सकते, ये कानूनन है। आप शिक्षा में फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा, नौकरियों में आप जाएंगे तो यही बताना पड़ेगा, राजनीति में जाएंगे तो यही बताना पड़ेगा। अगर ये हट गया और सामान्य हो गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आज जो अनुसूचित जाति के भाई, जनजाति या पिछड़े वर्ग के भाई लोग जो जो पदों में हैं, अगर सामान्य एरिया पूरा भारत को सामान्य बना दिया जाए तो शायद आज इतने बड़े भारत के संसद में 44 सांसद अनुसूचित जनजाति से हैं, 44, और 82 से ऊपर शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं। देश भर के विधानसभा में 450 से ऊपर अनुसूचित जनजाति के भाई वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 650 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर ये सब सामान्य हो गया तो शायद कल्पना करना मुश्किल है कि कितने वहां विधायक और सांसद चुन के जाएंगे, क्योंकि आज का चुनाव का खर्चा आप देख रहे हैं, हमारे पास तो फॉर्म भरने को पैसा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए हम चुनाव प्रचार कार्य में हम कहां से लाएं। तो ये एक बहुत जटिल विषय है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा होगा। पर ये बात से मैं सहमत हूँ कि सच है कि भारत में जाति सूचक जो शब्द है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, जातिवाद पुनः जीवित होता है। और इसके जगह पे इस देश में जो वर्ग आधारित व्यवस्था है, वर्ग के आधार पर व्यवस्था चल रहा है, और अंततः इस देश में देसी और विदेशी का जो बात समय समय पर पैदा हो रहा है, वहां तक लोग अब पहुंच चुके हैं कि इस देश में जो आक्रमणकारी लोग हैं आज उनके नियंत्रण में देश है, ऐसे भी बातें आ रही हैं जो सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बात सही है कि भारत का पहला आक्रमणकारी आर्य है, दूसरा आक्रमणकारी यवन है, तीसरा आक्रमणकारी कुषाण है, इसके बाद शक है, इसके बाद सीथियन है, इसके बाद आभीर है, इसके बाद मंगोल है, इसके इससे पहले हूण है, फिर इसके बाद मुगल है, फिर डच फ्रांसीसी लोग हैं, फिर अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों को तो हमारे पुरखों ने इस देश से खदेड़ा, लेकिन बाकी आक्रमणकारी विदेशी लोग किस रूप में है, क्या उनका पूरा पतन हो गया, उनके वंश नहीं है, या है तो किस रूप में है, ये भी बहुत छानबीन करने की जरूरत है इस देश में। माननीय भाई जगदीश सिंह जी, आपके द्वारा जो चर्चा कराया जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे बातें समाज तक पहुंचेगा, और समाज, भारतीय समाज बहुत संवेदनशील जागरूक है। और आपके डिबेट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट जो है ये किसी के भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है, ये व्यवस्था की बात है।
इससे किसी को ठेस पहुंचने जैसी कोई बात नहीं है, कोई ऊंच और नीच बनाने जैसी बात नहीं है, किसी को छोटा या बड़ा बनाने जैसी बात नहीं है। ये संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए अपनी बातों को रखने का बात है और आपने बखूबी इसको निभाया है, इसलिए आपको भी बहुत जी बहुत शुक्रिया। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को ऐसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट करें और समय समय पर अपने विचार भी व्यक्त करें, ताकि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, चर्चाओं को लेकर आपके सामने हम हाजिर हो सके। मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देता हूं। मैं हमारे साथ जुड़े संतोष साहू साहब का बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहू साहब। दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई रोशनी देवी जी का बहुत शुक्रिया करूंगा। वेदराम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, उनकी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई। बहरहाल नेटवर्क के कारण या किसी इशू के कारण वो हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाया, उनका भी हम शुक्रिया करेंगे। और स्पेशल आज के इस कार्यक्रम के एपिसोड को संचालित करने वाले प्रोपराइटर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का और मेघराज जी का धन्यवाद करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम।